हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें देखा था एंडोस्पर्म के जो जनरल इंट्रोडक्शन क्या होते हैं, एंडोस्पर्म का जनरल इंट्रोडक्शन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से प्लांट के अंदर एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है और वे प्लांट एंजियोस्पर्मिक होते हैं। एंडोस्पर्म ऐसा नहीं कि सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट का फीचर्स होता है, ये जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है जो कि हैप्लॉइड होता है, जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले बन जाता है एंडोस्पर्म। और ये जो एंडोस्पर्म होता है वो कुछ प्लांट के अंदर जो होता है वो बाद में बनता है फर्टिलाइजेशन के, जैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। फिर इसके हम तीन टाइप के नाम पढ़े थे, जैसे न्यूक्लियर, सेलुलर और एलोवियर। आज हम इस टाइप के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला टाइप होता है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर का मतलब होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा उसका डिवीजन होगा, है ना। ये मोस्ट कॉमन टाइप होती है जो कि ज़्यादातर प्लांट के अंदर पाई जाती है। वैसे माना जाए तो ऑल एंजियोस्पर्मिक के अंदर 56% जो प्लांट होते हैं उन सबके अंदर एक ही प्रकार की एंजियोस्पर्म पाई जाती है, वो न्यूक्लियर होती है। एग्जाम्पल में कौन कौन से प्लांट आते हैं, जैसे कैलेट्रोपिस, कैलेट्रोपिस ऑक को कहते हैं हम, है ना। फिनिक्स, फिनिक्स मतलब होता है खजूर, है ना। उसके बाद आता है मालवा, मालवा मालवे से जमीनी का प्लांट है, है ना, उसके अंदर भी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर पाया जाता है। साइट्रस यानी नींबू, है ना। उसके बाद अरेकिस, अरेकिस मतलब होता है ग्राउंडनट, है ना। इन सबके अंदर कौन सा पाया जाता है, न्यूक्लियर पाया जाता है। अब हम देखते हैं न्यूक्लियर होता क्या है, न्यूक्लियर किस तरीके से बनता है। कोई भी न्यूक्लियर का जैसे फर्स्ट यानी पहला और उसके बाद का जो भी कैरियोकाइनेसिस डिवीजन होगा, यानी फर्स्ट एंड अदर डिवीजन, यानी पहला और उसके बाद वाला जो डिवीजन, जो फर्दर डिवीजन होते हैं, आर नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। यानी कि बाद वाले डिवीजन जो होते हैं वो साइटोकाइनेसिस को फॉलो नहीं करते हैं, वो किसको फॉलो करेंगे, ओनली फॉर कैरियोकाइनेसिस को। यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन उसके अंदर होगा लेकिन साइटोकाइनेसिस डिवीजन नहीं होगा। तो साइटोकाइनेसिस नहीं होने के कारण सेल साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं होगा, और साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं होने से वॉल का फॉर्मेशन हमेशा नहीं होता है। यानी कि ऐसा एंडोस्पर्म न्यूक्लियर कहलाता है जिसके अंदर वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, ओनली फॉर कैरियोकाइनेसिस पाया जाता है, है ना। ये थ्री टाइप का न्यूक्लियर डिवीजन है, इसे हम थ्री न्यूक्लियर डिवीजन यानी FND यानी थ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी कहते हैं, जिसके अंदर ओनली फॉर न्यूक्लियर का डिवीजन होता है, है ना। कलेक्ट ऑल मार्जिन एरिया एंड वैक्यूल इन सेंटर। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये एक सीड है ना, इसके ऊपर ये एम्ब्रियो है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस पाया गया है एंडोस्पर्म का। ये एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस धीरे धीरे डिवीजन करके ऐसे हो जाएगा, है ना। ये तो हो गया कम्प्लीटली इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना। धीरे धीरे क्या होता है कि बीच में तो एक खाली ब्लैंक स्पेस यानी वैक्यूल बन जाती है, और ये सारा जो एंडोस्पर्म होता है वो कलेक्ट हो जाता है कहाँ, मार्जिन एरिया पर। मार्जिन एरिया पर कलेक्ट होने के बाद इसके बीच में वॉल फॉर्मेशन का वॉल फॉर्मेशन होती है, यानी कि इसके अंदर अब क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है कैरियोकाइनेसिस, फिर होता है साइटोकाइनेसिस। इसलिए कहते हैं कि जितने भी न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियस कलेक्ट एट मार्जिन एरिया, मार्जिन एरिया पर कलेक्ट हो जाते हैं, और सेंटर के अंदर क्या बन जाती है, वैक्यूल बन जाती है। इसलिए इसके अंदर साइटोकाइनेसिस भी होना शुरू हो जाता है। कल हमने ये देखा था कि न्यूक्लियर जो होता है वो धीरे धीरे सेलुलर में चेंज हो जाता है, इसलिए कैसे चेंज होता है वो भी देखते हैं, है ना। बाय वॉल फॉर्मेशन कन्वर्ट इनटू सेलुलर, यानी जब वॉल फॉर्मेशन होती है वैक्यूल बन करके सेंटर में, तो वो क्या होता है, चेंज हो जाता है किसमें, सेलुलर में। अब किस तरीके से होता है ये देखते हैं। सबसे पहले तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसे कहते हैं कोकोनट। कोकोनट नारियल को कहते हैं। नारियल के अंदर आप देखते हैं कि अंदर एक व्हाइट वाला पार्ट गिरी होता है जिसे हम खाते हैं, वो भी एक टाइप का एंडोस्पर्म है, और बीज के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है वो भी एंडोस्पर्म है ना। तो इसमें दोनों टाइप आती है, सेलुलर भी होता है और न्यूक्लियर भी होता है, ठीक है। सबसे पहले आया जो लिक्विड टाइप होती है, कोकोनट में दो टाइप के एंडोस्पर्म होते हैं, पहला लिक्विड होता है, दूसरा सॉलिड होता है, है ना। लिक्विड को हम लिक्विड एंडोस्पर्म भी कहते हैं, और लिक्विड सेंटेलियम भी कहा जाता है, सिंसिटियम, है ना। इसको आप ऐसे लिखेंगे, सिंसिटियम,
है ना, सेंसिटियम भी कहा जाता है। व्हाइट जो पार्ट हम खाते हैं गिरी, उसको व्हाइट कैनल कहा जाता है ना। तो लिक्विड सिनेसिटियम जो है वो एंडो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का पार्ट होता है, और सेलुलर जो होता है वो सॉलिड जो होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म का पार्ट होता है। अब ये कैसे बनता है वो देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये सीड है, सीड के बीच में एक PEN प्राइमरी एंडो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, और ऊपर की तरफ एक एम्ब्रियो है ना। इसके अंदर सबसे पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, फिर वापस एक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ये मार्जिन एरिया पर सेट हो जाता है। फिर न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस डिवीजन दोनों होते हैं, तो न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है ना मार्जिन एरिया पर, साइटोकाइनेसिस डिवीजन होने से इसके बीच में क्या बन जाती है, एक वॉल फॉर्मेशन हो जाती है। फिर वापस न्यूक्लियर डिवीजन होता है और साइटोकाइनेसिस डिवीजन होता है, तो जो मार्जिन एरिया पर जो गया था न्यूक्लियर जो सेट हुए थे उनके बीच में वॉल बनना शुरू हो जाती है, इसे हम वॉल फॉर्मेशन कहते हैं, है ना। तो ये धीरे धीरे यहाँ तक तो न्यूक्लियर था, फिर ये न्यूक्लियर से किस्म हो गया, न्यूक्लियर एंड सेलुलर दोनों में चेंज हो गया, है ना। ये जो वॉल फॉर्मेशन होती है यानी पेरिफेरी यानी मार्जिन एरिया से सेंट्रल एरिया की तरफ होती है, इसलिए इसे सेंट्रिपिटल वॉल फॉर्मेशन कहा जाता है ना। उसके बाद और कौन कौन से प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है, जैसे पॉलीप्लेटली ग्रुप, पॉलीप्लेटली ग्रुप के जितने भी प्लांट होते हैं उन सब के अंदर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। एग्जांपल के तौर पर ऑक्सीस्पोरा है ना, क्रोटिलेरिया, ये सारे आते हैं।